शिवाजी राव गायकवाड़ विशेषतः रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं। वे एक भारतीय फिल्म कलाकार हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। एक्टर बनने से पहले वे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। 1975 की तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रागंगाल से उन्होंने डेब्यू किया था। तमिल फिल्म में उन्होंने कई मनमोहन किरदार किए हैं जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। रजनीकांत को सन 2000 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये तमिलनाडु राज्य से हैं। रजनीकांत ज्यादातर तमिल में उनकी फिल्मों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। रजनीकांत ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत में कई फिल्में कमल हसन के साथ की, जिसमें से सभी फिल्मों में कमल हसन मुख्य अभिनेता के तौर पर और रजनीकांत ने नेगेटिव रोल निभाया था। रजनीकांत का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। रजनीकांत ने लता रंचारी से शादी की, जो कॉलेज पत्रिका के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी, और उनको देखते ही उन्होंने लता को प्रपोज कर दिया था। 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में उनकी शादी संपन्न हुई। रजनीकांत के दो बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत हैं। ऐश्वर्या रजनीकांत ने 2004 में साउथ एक्टर धनुष के साथ शादी की और उनके दो बेटे भी हैं। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है।